नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाव सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, बनाने से बहुत आसान होता है, तो एक बार बना के आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो चलते हैं पाव सैंडविच बनाने। पाव सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार पाव ले लिए हैं, तो इनकी हम सैंडविच बनाएंगे। तो अगर आपके पास पाव बचे हैं तो आप उनसे भी बना सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ बचे हुए नहीं थे, मैं खरीद के लाई थी। इसमें दो मैंने यूज़ कर लिए हैं, चार बच गए हैं। तो यहाँ पर हम इनकी सैंडविच बनाते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर रख दिया है मैंने तवा, और इस पर डाल देती हूँ मैं बटर। तो हम पहले पाव को सेक के तैयार करेंगे। बहुत ही झटपट बन जाती है सैंडविच, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। अब बटर हमारा मेल्ट हो गया, तो यहाँ पर डाल देती हूँ मैं आधा चम्मच पाव भाजी मसाला, क्योंकि हम पाव से कोई चीज़ बना रहे हैं तो बिना पाव भाजी मसाले के तो बनता ही नहीं है। और इन दोनों चीज़ों को पूरे तवे पर अच्छे से फैला देते हैं, और हम पाव को अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से मसाला लगाते हुए। तो इससे एकदम पाव भाजी मसाले का इसमें फ्लेवर आ जाएगा पाव में, पाव में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा पाव भाजी मसाले का। तो हमें इस तरह से अच्छे से इसे सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पाव को अच्छे से सेक लेते हैं। पाव को अच्छे दोनों साइड से अच्छे से हमें सेकना है, और थोड़ा सा बटर मैं इसके ऊपर भी लगा देती हूँ, थोड़ा सा और ये अच्छे से सिक जाए क्रिस्पी। तो दबाते हुए प्रेस करते हुए हमें इन्हें अच्छे से सेक के तैयार करना है दोनों पावों को। तो आप देख सकते हैं ऊपर से कितना अच्छा मसाला आ गया, एकदम क्रिस्पी से हो गए। तो एक साइड अंदर से भी हमें एक बार क्रिस्पी से कर लेना है हमें। तो पाव हमारे सिक्के अच्छे से तैयार हो गए, तो पाव को हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया कितना। तो मैंने पाव को निकाल दिया चॉपिंग बोर्ड पर। अब यहाँ पे मैं अपनी सैंडविच बनाऊंगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। मैंने यहाँ पे टमाटो वाली चटनी लगाई है, टमाटर और हरी मिर्च की लाल वाली चटनी लगाई है। अब ग्रीन वाली भी लगा सकते हो, टमाटो केचप भी लगा सकते हो। मेरे पास ये चटनी से मैं इसका यूज़ कर लिया है। अब इसमें लगाऊंगी मैं कुछ वेजीज। तो पहले यहाँ पर लगा देती हूँ मैं उबले हुए आलू। तो मैंने इस आलू को पतले पतले स्लाइसों में काट लिया था, तो मैं आलू रख देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें रखूँगी खीरा। बहुत ही टेस्टी ये सैंडविच बनती है, बहुत ही हेल्दी होती है। तो यहाँ पे मैंने खीरे के स्लाइस रख दिए हैं। उसके बाद मैं रखूँगी प्याज के स्लाइस। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन प्याज बहुत अच्छी लगती है सैंडविच में। और एक एक टमाटर की स्लाइस भी इसमें रख देती हूँ मैं। और इनको इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाले में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और हम इसको बंद कर देते हैं सैंडविच को, सैंडविच को बंद कर देते हैं। और थोड़ी सी हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी चीज़ का यूज़ किया है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया है मैंने चीज़ का। अगर आप चीज़ नहीं है तो आप पनीर का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास पनीर पड़ा है तो पनीर से भी इसकी डेकोरेशन कर सकते हो। तो हमारी सैंडविच बन के हो गई है तैयार, चलते हैं इसे सर्व करने। तो आप इस तरह से बची हुई पाव सैंडविच बना के तैयार कर सकते हो, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आई। तो एक बार बना के आप जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।